नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि फल 2021 के बारे में। दोस्तों वृषभ राशि फल 2021 के अनुसार आपके लिए साल 2021 बहुत अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि साल की जो कुंडली है वह कन्या लग्न से शुरू हो रही है। कन्या लग्न कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में कुंडली बन रही है। क्योंकि कन्या लग्न में सौभाग्य का स्वामी शुक्र है, जो तीसरे भाव में भेंटकर अपने घर को देख रहे हैं। दोस्तों ऐसे में वर्ष की शुरुआत धमाकेदार रहने वाली है। इस वर्ष में आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है, परंतु इसके लिए आपको परिश्रम भी करना होगा। भाग्य व परिश्रम का सहयोग आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों करियर से लेकर व्यापार और प्यार से लेकर संबंध सभी आयामों पर इस वर्ष आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ परेशानियां बीच बीच में आ सकती हैं, परंतु ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली। दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए कर्म के साथ भाग्य भी एक बेहतरीन साथ मिलने वाला है, जो जनवरी माह को आपके कार्य क्षेत्र के लिए एक सफल व नेम फेम देने वाला माह बना देगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। दोस्तों जो फरवरी माह में आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र अष्टम का स्वामी होकर अस्त होना फरवरी माह में आपके हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर आपको अपने त्वचा को बनाए रखना है तो चर्म रोग होने की संभावना है। दोस्तों मंगल राहु का बिजनेस के लिए अंगारक योग बनना, साथ ही पराक्रम का स्वामी अपने घर में भेंट करके पराक्रम में वृद्धि करेगा। मार्च के महीने में वृषभ जातकों के लिए एक बड़ी सफलता का योग भी बन रहा है। पराक्रम के स्वामी का अपने घर में ही विराजमान होना कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बना रहा है, साथ ही प्रमोशन व इंक्रीमेंट भी होने की संभावना है। बिजनेस वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं जाने वाला, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते। दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र और बिजनेस करने वालों के लिए माह अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य और लाभ के स्वामी शुक्र का एक साथ होना और सुख स्थान में भेंटना एक सुख देने वाला योग बनाता है। कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है। अगर वह इस समय प्रयास करते हैं तो विदेश का सुख भी मिल सकता है, लेकिन सेहत के लिए सचेत रहना होगा। मार्च व अप्रैल माह आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। अप्रैल में कुछ परेशानियां आपका पीछा कर सकती है, लेकिन आप अपने काबिलियत से इससे निकलने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों 29 मई से 22 जून तक बुध बकरी रहेंगे, इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, मन भ्रमित रहेगा। इस समय आपको अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करने से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जून का समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि अच्छे योग के साथ साथ एक नेगेटिव योग भी बन रहा है। दोस्तों सूर्य राहु के साथ सुख स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके सुख में कमी आ सकती है। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष योग बना रहा है, जो आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम से सामना करवाएगा। इस समय आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको तनाव भी हो सकता है, चिंता से भी आप घिर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति का भाग्य में भेंटकर कर्म को देखना आपके लिए मंगलकारी होगा। दोस्तों आपको व्यापार व कार्य में लाभ होगा, आप इस समय अपने कार्य को करने में सक्षम होंगे। कर्म से आपको लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है, कार्य करते रहें, फल की चिंता ना करें। दूसरे तिमाही के अंतिम चरण में शुक्र व मंगल का त्रिकोण में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। ऐसे में यह समय ऐसा रहेगा जहां पर आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इस बीच आपको कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, आपको काम का रिजल्ट भी मिलेगा, खुशियां भी आएंगी। तीसरे तिमाही में बृहस्पति का बाहरवें घर में बैठना आपके प्यार के लिए सही नहीं है, बदनामी का योग बना देता है, यह आपको किसी कानूनी विवाद में भी डाल सकता है। शनि का एकादश में भेंट कर पंचम को देखना विद्यार्थी वर्ग को परेशानी देना, इसके साथ ही यह शादी में भी अड़चने बाधाएं बनाने का योग बना सकता है। दोस्तों कार्य क्षेत्र तो चलता रहेगा, लेकिन इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में फ्रेंड सर्कल को ना आने दें, उनसे ज़्यादा अपने निजी जीवन की बातें ना करें। मित्र से आपको विश्वासघात मिलने की संभावना है। जुलाई का समय इस राशि वालों के लिए संभल कर चलने वाला समय है। दोस्तों अगस्त का समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है,
मन एकाग्र, काम में ग्रोथ और शादी के लिए भी अगर किसी की बात चल रही है तो यह बात अंजाम तक पहुंच सकती है। जिन जातकों को प्रेम में अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए स्थिति बदलेगी और एक बार फिर आपके प्रेम की बाहर चलेगी। साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, यह प्रेम के लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाला समय रहेगा। दोस्तों, पंचम व चतुर्थ भाव के स्वामी एक साथ सुख के सीध में आने से एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति का भाग्य में बैठना, पंचम को देखना एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले जातकों के साथ विद्यार्थियों के लिए शुभ परिणाम देना, यह योग मैरिज के साथ साथ प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, विदेश यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सितंबर का समय आप वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, अक्टूबर का समय भी इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु सप्तम का स्वामी बृहस्पति का अष्टम में बैठना सेहत के लिए सही नहीं है। समय इस आपको सेहत पर ध्यान देना होगा, किसी तरह के संक्रमण से आप प्रभावित हो सकते हैं। शनि का चंद्रमा को देखना धन का पर्याय बना देता है। अक्षय के साथ यह महीना बहुत अच्छा व बुरा भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, चौथे तिमाही का मध्य समय इन जातकों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। काम में उन्नति, भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा का योग है, इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दिसंबर का महीना भी वृष राशि वालों के लिए सकारात्मक रहने वाला है, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय शुक्र भी बकरी होंगे। 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यह वर्ष 2021 आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। आपके परिश्रम का सही फल इस वर्ष में मिलेगा, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया वृषभ राशिफल 2021 के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।